यहाँ पर देखिए पास्ता बनाने के लिए मैंने प्याज, लहसुन, टोमेटो, गाजर इस सब को छोटे छोटे कट करके उसको मैं अभी देखिए बटर के साथ इसको अच्छी तरह से फ्राई कर दूंगी। ये एक्चुअली मैं रेड सॉस पास्ता बना रही हूँ, तो ये अच्छी तरह से ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाए बटर का। उसके बाद मैं इसमें देखिए जो बॉइल्ड करके मैंने पास्ता रखा हुआ है वो ऐड करूँगी, एंड थोड़ा सा टोमेटो सॉस एंड चिली सॉस। चिली सॉस घर में सबको पसंद है इसलिए मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ऐड कर दिया है, अभी इसको थोड़ी देर में ऐसे करूँगी, उसके बाद मेरा रेड सॉस पास्ता बन के तैयार हो जाएगा। एंड मैंने व्हाइट सॉस पास्ता भी बनाया हुआ था लेकिन वो वाला क्लिप मेरा शायद मिस हो गया है, तो मैंने ये वाला क्लिप ही दे दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेट कर दिया है सिटिंग, सारे चेयर्स वगैरह यहाँ ला के ऐसे रख दिया है, और खाना भी दिखाती हूँ। लाइट ऑफ कर दिया है मैंने, ये जो उड़ीसा का ऑथेंटिक पोड़ो पिठा है वो बनाया है मैंने, एंड ये है व्हाइट सॉस पास्ता, इसको गरम करूँगी, एंड ये है रेड सॉस पास्ता। एंड वो लोग केक वगैरह लाएंगे, एक मिनट में घुमा देती हूँ इसको। तो ये है मेरा आउटफिट, ये वाला ड्रेस मैंने पहना हुआ है, एंड सारा कुछ रेडी है। वो लोग आने के बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि शोना भी सोए हुए हैं एंड सासू माँ भी सोए हुए हैं, तो उन लोगों को डिस्टर्ब करने का कोई ये नहीं करता मेरे को, बस अगर टेक ब्रेक कटिंग के टाइम आती हूँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर रेस्ट कर रही हूँ तो डिस्टर्ब करना आई डोंट थिंक ठीक होगा। तो चलिए अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पर प्लेट्स वगैरह भी मैंने रख दिया है, दिखाती हूँ। यहाँ पर सारे प्लेट्स, स्पून्स एंड सारे बॉटल्स वगैरह, ग्लासेस वगैरह सब रेडी करके रख दिया है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। चलिए, एनिवर्सरी था तो फ्रेंड लोग भी मेरे को फेयरवेल देना चाहते थे इसलिए सारे लोग आ गए हैं, देखिए केक वगैरह लेके, गिफ्ट्स वगैरह लेके, तो बहुत ही अच्छा लगा कि हस्बैंड भी नहीं थे, मैंने आपको जैसे बोला बाहर गए थे यानी ज्वाइनिंग के लिए गए थे, तो केक लेके आए हैं, तो चलिए कैसे एंजॉय करते हैं, आप लोग भी एंजॉय करिए हमारे साथ मेरा एनिवर्सरी मेरा फेयरवेल। वीडियो बनाते रहो YouTube पे, कैसे करो करके केक लगा देते हैं, बस मेकअप हो गया, कोई नहीं खिला रही है उसको, लगा रही है क्रीम तो बहुत कम करने के लिए बोला, एकदम क्रीम कम देने के लिए बोली है, बस आ गई ना सब, मैं जाना आना है, दीदी ने क्या बोली आएगी शाम, ओ यार कोई खतरा नहीं है, हां ऑफिस से अच्छा हुआ, नहीं तो तुम कहां जाएंगे। Thank you.
हैप्पी बर्थडे आंटी के हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे चलो चलो सैंडल लेके आओ आंटी आपके लिए आज सबसे अच्छा हुआ तुम्हारा हालत तो देख रहे होंगे एक्चुअली पार्टियाँ भी ख़त्म हुआ एंड जो भी ऊपर था वही वाला मैंने पहन लिया है। बस आप लोगों के साथ कुछ मेरे गिफ्ट्स शेयर करने थे जो कि मेरे फ्रेंड्स लोगों ने दिए हैं। तो पहला गिफ्ट जो था वो केक, जो एनिवर्सरी का केक था, वो सारे फ्लैट सोसाइटी में सारे फ्लैट मेट्स जो हैं हमारे, वो सारे लोगों ने मिल के मेरा आज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अकेला अकेला फील हो रहा था क्योंकि हस्बैंड नहीं है, तो जो भी हो अच्छा लगा। तो वो था केक एंड वो लोगों ने मिल के मेरे लिए ये वेबसाइट से एक कॉटन बेडशीट्स मेरे लिए लिया हुआ है जिसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो प्रिंट, मैं खोल नहीं रही हूँ क्योंकि पैकिंग वगैरह अभी दो तीन दिन में चालू हो जाएगा, तो अभी खोल के इसका कुछ नहीं बनता। अभी क्यों खोलूँ, अभी रख देती हूँ, वहाँ जाऊँगी वहाँ पर घर में डालूँगी। तो ये वो दिया है एंड सुबह मेरे यहीं के दो फ्रेंड्स हैं, हम तीन मिल के, आपने देखा ही होगा हमारा होली सेलिब्रेशन, मेरे फ्रेंड्स का बर्थडे सेलिब्रेशन, हम तीनों एक्चुअली बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक हम तीनों का एक बॉन्डिंग बन गया था यहाँ आने के बाद। बहुत ही ख़राब लग रहा है कि हम तीनों ऐसे मिले कि अचानक 6 मंथ के अंदर जा रहे हैं वापस। कुछ नहीं, फ़ोन में तो बातें शातें होते ही रहेंगे। तो वो लोगों ने भी मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स आज सुबह ला के दिया है, तो वो मैं दिखाती हूँ। पहला जो गिफ्ट है वो है ये बोरोसिल का माइक्रोवेवल ओवल बेकिंग डिश है, ये वाला एक है जो कि मेरे को चाहिए था। मेरा एक था लेकिन वो मेरा ही शिफ्टिंग के चक्कर में टूट गया था। जो भी हो ये बहुत यूज़फुल होता है, ये सारे सामान बहुत यूज़फुल होते हैं। ये एक दिया है एंड नेक्स्ट जो दिया है वो मैं दिखाती हूँ आपको, ये है एक ग्लास का ट्रियो ब्रांड का एक बॉटल है, ग्लास बॉटल। तो ये गिफ्ट उन लोगों ने दिए हुए हैं एंड बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत अच्छे से गया। आपको मैंने उस दिन बोला था कि मैं आपको मुंबई का घर का टूर दूंगी, तो आज घर फाइनलाइज हो गया है। हस्बैंड जाके सारे जो पेपर वर्क है वो सारा फिनिश कर दिए हैं। मैंने यहाँ पर 3 घर का दिखाया हुआ है, कौन सा घर क्या है आप लोगों को, कौन सा घर हमने लिया है वो मैं वहाँ पर आपको वॉइस ओवर के जरिए बता दूँगी। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए एंड प्लीज़ और क्या बोलूँ बस, और बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिए। आज मेरा एनिवर्सरी था, ये हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन सेलिब्रेट हुआ, अच्छा लगा, टाइम पास हुआ। फिर मिलती हूँ और इंटरेस्टिंग बाय बाय। तो यहाँ पर हमने कुछ घर देखे थे, ये वाला घर जो हमने पहला देखा था अच्छा तो लग रहा था, लेकिन थोड़ा ये इसका किचन थोड़ा छोटा था, यानी इसके किचन में बस नीचे ही जितने कैबिनेट्स थे और ऊपर कैबिनेट्स वगैरह नहीं थे, तो इसीलिए ये घर का प्लान हम लोगों ने ड्रॉप किया। नहीं तो बेसिकली 3 घर हमने बहुत सीरियसली देखे थे वहाँ पर।
एंड तीन घर से हमको लास्ट वाला जो घर था उसका वो सारा कुछ हमको पसंद आ गया। तो ये वाला घर देख लीजिए, ये ऐसा ही है, ये 2 BHK था। तो ये हमने पहले ही ये प्लान ड्रॉप कर दिया है इस घर का। नेक्स्ट जो घर आप ये जो घर देख रहे हो, अभी जो हमने घर लिया है वो ये घर का एकदम सेम है, लेकिन ये घर एक्चुअली नॉर्थ फेसिंग घर था, तो हमें उतना अच्छा नहीं लगा इसका व्यू वगैरह। नॉर्थ फेसिंग घर वैसे भी हमको लेना नहीं था, लेकिन इसका शेप जो था, अभी हमने जो घर लिया है वही सेम शेप में ही हमने घर लिया है और सेम सोसाइटी में ही हमने घर लिया है। 2.5 BHK है, तो देख लीजिए आप लोग कैसा है कैसा नहीं। लेकिन ये वाला घर तो कैंसिल हो गया है, लास्ट वाला घर हमने फाइनलाइज़ किया है तो उसका फुल टूर मैंने दिया हुआ है। तो ये है हमारा घर, तो ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस करते ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक हॉल, लिविंग रूम कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो लिविंग रूम से आप व्यू देख सकते हो नीचे का, बहुत ही अच्छा सोसाइटी है इसीलिए हमने यहाँ पर लेने का ट्राई किया। तो ये है लिविंग रूम। लिविंग रूम से जाते ही लेफ्ट हैंड साइड में एक जनरल वॉशरूम है जो कि काफ़ी बड़ा है, थोड़ा बड़ा वॉशरूम चाहिए भी है हमको। तो नेक्स्ट उसके फ्रंट में ही आपको किचन देखने को मिलेगा। किचन में बहुत सारे सेल्फ वगैरह हैं जिस कारण हमको बहुत अच्छा लगा ये किचन वगैरह। फ्रिज व्रिज रखने के लिए जगह भी है, और यहाँ पर जो डोर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन वगैरह रखने का, एंड ईच वन बालकनी ही उन्होंने प्रोवाइड किया है। और बालकनी से भी आप लोग व्यू देख सकते हो, इतना प्यारा व्यू है यहाँ से। तो ये है बालकनी, एक ही बालकनी है यहाँ पर। इससे निकलेंगे तो यहाँ पर इंटरकॉम वगैरह है, और ये एक छोटा सा कमरा है टापू जी वगैरह रखने के लिए। तो ये आप देख सकते हो, और इधर से हम लोग सीधा जाएंगे तो ये है सेकंड बेडरूम। तो यहाँ पर अभी काम वाम बाकी है, तो काम वगैरह चल रहा है। एंड ये है मास्टर बेडरूम, एंड मास्टर बेडरूम में भी आपको एक वॉशरूम मिलेगा। ये सेकंड वॉशरूम है, ये है मास्टर बेडरूम। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये वाला घर हम लोगों ने लिया है। आप लोग बताना कैसा लगा घर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर।